2004 महीने 4 में आया हूँ, अप्रैल में 23/4 को। तो यहाँ तो रहने की तो व्यवस्था ही सब पुराने भवन हैं, टूटी हुई इमारत भी हैं, कुछ बिल्डिंग हैं जो हैं खन्नब हो चुकी हैं और उसी मजबूर है रहने के लिए। शौचालय की वो परमानेंट कायदे व्यवस्था नहीं है, शौचालय भी होना चाहिए, हम लोग लेटरिन बाथरूम होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, लेडीज हैं आती हैं जाती हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ड्यूटी करनी है, समाज के उसमें रहना है तो अपनी सुरक्षा भी देखी जाती है, जैसे भी है रह रहे हैं, साफ सफाई करा के उसमें रह रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। मैं डीजीपी महोदय का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि थाने को एक साफ सुथरा करके उसका उसकी कंडीशन को सुधार करके एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहाँ पर आने वाले को भी सुखद एहसास हो और जो काम करने वाले हैं उनको भी काम करने में आनंद की अनुभूति हो। और इसके लिए जो पैसा हम लोग को मिला है उस पैसे का हम लोग उपयोग करके और थाने को उसके सुंदरीकरण, उसको थोड़ा मॉडर्न लुक देना और आधुनिक साज सज्जा और सुविधा से पूरा करना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। कई स्थानों पर ये काम हो रहा है और कई स्थानों पर काम समाप्ति के पास है और बीच में त्यौहार आ गया, अब जैसे ही ये ख़त्म हुआ है हम लोगों ने बैरिक में जो रह रहे हैं सिपाही उनका कहना है कि अभी हमें डर लग रहा है भवन में रहते हुए क्योंकि कभी भी गिर सकता है, उसके लिए अब उसके उसको हम लोग मूल्यांकन करा लेंगे। अब इंद्रगढ़ का थाना तो पुराना है, वो रहने योग्य है कि नहीं है, अगर रहने योग्य नहीं होगा तो फिर ऐसे ऐसे बिल्डिंग में अपने जवानों को रख करके कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते और शीघ्र ही उसका उसका उपाय भी करेंगे और उसमें नया भवन निर्मित हो इसके लिए प्रस्ताव करेंगे।